खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला भगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको प्लेन कपड़े में कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया, इसमें मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमें इसको आड़े कपड़े में जैसे कानी की तरफ पलटना है। ये हमने पलट लिया है, 4 तय कर ली है। अब हम सबसे पहले हिप का नाप लेंगे। हिप हमें 20 इंच रखनी है, तो हम इसमें 3 या 3.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें पूरे पे निशान लगाना है। इस निशान को हम सीधा कर देंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए, अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे, ऐसे लंबाई में हमें इसको पूरे में पलट लेना है और इस बंद साइड से पकड़ के इस तरीके से ऐसे डबल करना है और ऐसे बिछाना है। देखिए, हमारे कपड़े में जो भी कोई कान है वो इस तरफ खुली की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से हमें पलटना चाहिए कपड़े को। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे 6 इंच, और ये हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आप अपने हिसाब से लगा लें। यहाँ पे करीबन 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई देनी है। यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे। आप अपने नेक के हिसाब से लगा लीजिए इस तरीके से गोलाई। और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम चाक का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम सबसे पहले प्लेट का नाप लेंगे। प्लेट हमें 11 इंच पे रखनी है, तो हम ये 6 इंच लंबी रख रहे हैं, इसके बीच में निशान लगाएंगे। इस बीच के निशान से हम कमर के निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। ये हमारा फ्रंट है और बैक अलग अलग है। देखिए, ये कटिंग करने से पहले देख लीजिए कि हमारा ऊपर का ही कपड़ा कटिंग होना चाहिए। बैक का निशान हम बाद में लगाएंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे एक कपड़े को उठा के। अब हम बैक नेक का निशान यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पीछे हटा के इस तरीके से आर्म होल का निशान लगाएंगे पीछे के पार्ट का, और ऐसे कटिंग करेंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे हम कट करेंगे और यहाँ पे भी एक कुटका लगाएंगे। ये बैक नेक हमें कटिंग कर देना है। अब हम नीचे मोड़ने वाली पट्टी का निशान लगाएंगे। देखिए, हम ये 2 इंच पे लगा रहे हैं। आप अपनी कुर्ती के लंबाई के हिसाब से लगा लीजिए इस तरीके से। यहाँ से कट कर देना है और ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमने साइड से जो कपड़ा निकाला था इसको हम डबल कर लेंगे और इस तरीके से बिछाएंगे। बाजू हमें 16 इंच रखनी है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पे हम बाजू के मुंह का निशान लगाएंगे। और यहाँ से आर्म होल डाउन करने के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से मिलाना है इस निशान को, ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से कुर्ती कटिंग करेंगे तो हमारी कुर्ती कभी ख़राब नहीं होगी। देखिए, इसको उठाएंगे और एक साइड से ऐसे 1 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर देंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।